महाराजा परिवार वनस्थली जोकवा बाजार में बहुत ही शानदार जानदार और धमाकेदार बहुत ही स्वादिष्ट मीठा मीठा लीची हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। पेड़ पौधे लगाइए, प्रकृति को बचाइए और शानदार फलों का आनंद लीजिए, बागवानी का लाभ लीजिए। जिसके पास भी थोड़ा बहुत जगह है वो पेड़ पौधा लगाएं। गुरु जी, पेड़ पौधे के बारे में थोड़ा संदेश दे दीजिए। हर व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन काल में तो कम से कम 11 पौधे लगाना चाहिए, ताकि कई पीढ़ियों खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। और क्योंकि जब तक हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, तभी हम जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। जी, आज देख रहे हैं कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जहाँ पर अभी तक हमारे कुशीनगर में 45 डिग्री टेम्परेचर नहीं हुआ था, इस बार 45 डिग्री क्रॉस कर गया। इसके कारण है लोग वृक्ष काट जा रहे हैं, अंधाधुंध घर बनते चले जा रहे हैं। तो वृक्ष लगाना जरूरी है, पर्यावरण को बचाना है तो वृक्ष लगाना है जरूरी है। तो उसी वृक्ष लगाने के पर्पज से हम लोग आए हैं अपने गार्डन में, महाराजा गार्डन, महाराजा का बगीचा। हमारे बाबा दादी यहाँ बहुत सेवाएं किए हैं, देखिए उसी सेवाओं के फल स्वरूप ये हम लुची के गार्डन में आए हैं। और देखिए लुची फरा हुआ है। जब हमारे अभिषेक भाई छोटे थे और हम भी वो छोटे ही थे जब बाबा दादी थे, यहाँ पर बहुत आते थे, यहाँ पर रात भर पहरा करते थे हम लोग, लीची इस समय खाते थे, झूला झूलते थे, कटहल। नहीं तो उस समय तो कुंटल के हिसाब से लीची हुआ करता था, हम खुद थाले तोड़ के खैची में रख के बाजार में जाते थे बेचने के लिए बाबा के साथ। शानदार आम भी होता था, लीची भी होता था जी। और आपको अभी देखिए, इधर देखिए आम आपके सामने, अभी जूम आउट, ये तो बहुत पुराना आम का पेड़ है और बहुत ज्यादा हुआ है इस बार, सबसे ज्यादा फरा हुआ है, हमारे जन्म से पहले हुआ है। इस आम ही आम दिखाई दे रहा है इसमें हमारे। इस बार हम चढ़ के, इस बार हम गिर भी चुके हैं इस आम पे। अच्छा, हाँ बहुत ही हमको बहुत ज्यादा आम हुआ है इसमें, बहुत ही मीठा आम है। पूरा इधर देख सकते हैं आप लोग, पूरा नीचे तक, ये नीचे जो डाढ़ी आया है इसमें भी देख सकते हैं आम, स्वाद से भरपूर है आम, मतलब असंख्य आम है इसमें, कुंटलों में आएगा, कुंटलों में पूरा पूरा, कम से कम 5-10 कुंटल तो होगा ही, बहुत विशाल काय पेड़ है ये। सब दशहरी आम है, दशहरी कपूरी है, कपूरी 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 कपूरी, स्वाद से भरपूर। अब आते हैं आपको स्पेशल जो दिखाते हैं, 20% बम्बू जो हमारे वियतनाम में बम्बू हाउस बहुत जगह लगते हैं, लोग बनवाते हैं घर पे। ये देखिए आपका, ये है बम्बू हाउस, बम्बू पीला बांस, ये बहुत ही मुश्किल से लाया गया है गुजरात वापी से, हमारे माननीय श्री चंद्रशेखर यादव जी लेकर आए हैं वापी गुजरात से, और बहुत पहले लगाया गया था। ये सब जगह बांस ये नहीं मिलेगा ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, देखिए कितना पीला पीला है। और ये पूरे कुशीनगर में एक यहाँ पर है, और भगवान बुद्ध जी जहाँ शरीर त्यागे हैं कुशीनगर में है। तो ये आम आज आपका ये पीला बांस, और इधर देखिए बगल में ये है, अभी ये नया नया हमारा सुंदरीकरण हो रहा है पोखरे का, आप लोग देख सकते हैं। नागेंद्र गुप्ता जी के सौजन्य से इसका सुंदरीकरण किया जाएगा, और बहुत सारा इसमें पानी भरने के बाद से इसमें नाव चलाए जाएंगे, छठी मैया का सुंदरीकरण और साथ में तालाब का। अब आपको दिखाते हैं हमारा बगीचे का कटहल, आ जाइए, मच्छर तो काट रहे हैं मेरे, कटवा फुला दे रहे हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पे अपने बगीचा में, आपको कटहल दिखाने के लिए। ये देखिए कटहल, ये लाइन से कटहल के पेड़ हैं, एक से मगर एक, इधर देखिए यहाँ पर पूरा नीचे से ऊपर तक कटहल ही कटहल भरा हुआ है। अभी जूम आउट जूम इन करके हमारे अभिषेक भाई बताएंगे, दम समझाएंगे कटहल कितना स्वादिष्ट होता है। हमारे वियतनाम में भी कटहल को बहुत सारे चाव से खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है कटहल, बहुत ही पौष्टिक है, हेल्थ के लिए फायदेमंद है, लाभकारी है, बहुत से कटहल हुआ है। इसी कटहल से हमारे अभिषेक भाई कटहल तोड़ लिए, देखिए झोला में रख लीजिए अपने गाड़ी के अंदर, झोला में कटहल तोड़ के ले जाएंगे, तोड़ लिए हैं, अब इसमें भोजन पदार्थ बनेगा और तैयार होगा। देखिए दो दो तीन तीन कटहल भरा हुआ है, वो बोला नहीं, झोले के अंदर भी लगता है कुछ आइटम,
झोले के अंदर भी आज शानदार जानदार ये देखिए कटहल ने कैसे निकल रहा है। ये देखिए दिख रहा है ना, ये है कटहल, एक नंबर का कटहल, शानदार जानदार। एक ऊपर वाला फोटो खींच लेता, ऊपर वाला सफेद वाला हो गया। ये देखिए कटहल, एक नहीं दो दो कटहल है। बबरी होती तो कभी देखिए एक नहीं दो दो है। क्या है? एक नहीं दो दो है। ये देखिए दो दो कटहल, बहुत ही शानदार जानदार कटहल, इस फसल महाराजा परिवार का कटहल। अब आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के बेहतरीन और खूबसूरत प्रदेश का। जो दुनिया आए वो चकराए, जो ना देखे वो भी चकराए। कौन सा प्रदेश चलेंगे गुरु जी? अजीतानंद कृष्णा जी का बचपन दिखा रहा हूँ, कहाँ गुजरा है, किस जगह पे गुजरा है। यहाँ पे मचान बना के यहाँ पर वो रहते थे गर्मियों के छुट्टी में, सुबह से लेके शाम तक रात तक यही वो जगह है, यहीं पे मचान बनता था। और गांव के सभी युवा साथी जितने भी इनके फ्रेंड थे, मित्र थे, दोस्त थे, सभी लोग यहीं पे ओल्हा पाती खेला करते थे, झूला झूलते थे, सारी व्यवस्था थी यहाँ पे। अब तो डिजिटल जमाने में ये सब सुविधाएं खत्म हो गई हैं, ना झूला है, ना ओला पाती है, ना कुछ है। नहीं तो इसी पेड़ पे, ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इसी पे ये ओला पाती गुरुजी खेलते थे, बिलार छानते थे कृष्णा गुरुजी, इसी पे बिलार छानते थे, झूला भी बनाते थे टायर का, बहुत शानदार जानदार और धमाकेदार झूला होता था। और वो झूला कम से कम कुछ नहीं तो 200-300 मीटर तक उछाल मारता था। क्यों गुरु जी? और इस शानदार लीची कहानी बताइए। बड़ा तीन लीची है, बहुत पुराना लीची, तीनों का पेड़, तीनों बहुत, ये तो आपके दौर का सबसे खतरनाक जो एक पेड़ था ना, ये लीची का बड़ा हो गया है। और इसमें वो नहीं है ना, इस बार ज्यादा इसका पैदावार नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन बचपन इसी पे आपका बीता हुआ, ओला पाती इसी पे खेले हैं, खूब लीची तोड़ा गया। देखिए पूरा कटहल का पेड़ लगा हुआ चारों तरफ, कटहल ही कटहल है, देख रहे हैं कटहल, ये रहा, ये भी कटहल रहा, पूरा एकदम ऊपर ऊपर तक हुआ है, देख पूरा सकते हैं, कटहल भरपूर है। गुरु जी भी यतनाम में घूम रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं, लेकिन जोका बाजार महाराजा परिवार वनस्थली में सभी चीज़ का आनंद यहाँ पे इनको मिलता हुआ आप देख सकते हैं गुरु जी। ये देखिए कटहल, इतना भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में कटहल है। कटहल, कटहल का अचार भी बनता है, कटहल का सब्जी भी बनता है, कटहल का चोखा भी बनता है, कटहल का फल भी निकलता है, फल कोवा भी खाया जाता है। बहुत सारे लोग खाते हैं इसे कोवा, कोवा हाँ, उसका फल निकाल के खाते हैं। हाँ, और यह केला, केला चुई, इसको वियतनाम में चुई बोलते हैं, चुई चुई, चुई बोले मजे से, वियतनामी भाषा में इसको चुई कहते हैं। और केला इसको कोई तोड़ा बनाना है, ये बंदर जो है कि उत्पात मचाए हैं सब। आप लोग देख सकते हैं चुई, अभी मैंने आपको दिखाया केला, अब ये आप कटहल देख लीजिए। यहाँ पे कटहल, आम, लीची, बांस, केला, एक पिराणु का पौधा आता है, पिराणु का जी, उसको भी हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, मिल जाए तो हम लोग दिखा रहे हैं। पिराणु, पिराणु सब्जी बनती है वो, वो अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लग रहा है सफाई में प्रधान जी हटवा दिए हैं उसको। अनु भाई कल हलाए थे यहाँ, कहाँ कल उसका नाम, नामो निशान मिट गया।